दोस्तों तो फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कमलेश जी हैं जो काफी समय से डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीत सिंह जिंसा के बारे में, इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। कमलेश जी तो फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने सालों से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? 30 साल से आ रही हूँ। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज्यादा विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर? बहुत खुश आया, बहुत खुश है। कैसे काशी नहीं सकती जो इसने दिया, गरीबी से इतनी मीरी दिया ना, इसका कोई प्यार ही नहीं। कभी भी ऐसा माहौल देखा हो जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, टीवी में दिखाया जा रहा था? वो तो सारा बकवास है मीडिया वाला। हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास है। और जब पिताजी गए हैं तो वापस आएंगे जरूर। मैम जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो गलत बात आ रही है। क्यों? मतलब एक संत के ऊपर इस तरीके से गलत आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? वो पिताजी जाने, हाँ वो पिताजी जाने, जो होएगा सब ठीक होएगा। एक दिन आने के बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएगा, हर चीज ही बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास है और जुड़े ही रहेंगे। साड़ी आज तमन्ना है कि साडे पिताजी आ जाए और साड़ी जिंदगी का और बदलाव हो जाए। उन्होंने कितना किया लोगों के लिए गुरु जी? बहुत ज्यादा किया हुआ, विश्वास इतना दवाया उन्होंने, बहुत ज्यादा दवाया। वाली की शादी करनी, के गरीबों का घर बार बनाना, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। क्या जरूरत है उनकी समाज को? क्या जरूरत है उनकी समाज को? बहुत ज्यादा जरूरत है। की मांग करोगे सरकार को? सरकार को यही मांगा कि जो पिताजी लेके गए वो वापस दे दें, उनकी कोई गलती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि अमृत सिंह जैसा समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत बहुत